सो हमने ना ये गेम बनानी है, ठीक है? थोड़ा सा उसको दोबारा से देखते जाए कि ओह ये क्या हुआ, बाउंड्री से टकरा गया जो कि जिससे भी मर गया, ठीक है? ये इसने फूड खाया, जब फूड खाते ही कुछ होता है, क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है ना? वैसे आप लोगों को आवाजें नहीं आ रही, और नहीं खाता तो आवाज भी आती है। ना ठीक है, ये क्या हुआ? स्नेक ने अपने आप को हिट किया तो वो मर जाता है, ऐसे है, ठीक है? वैसे बहुत सारे स्नेक की स्टेजेस है, आप बनाना चाहे बना सकते हैं, इवन स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी जगह भी रख सकते हैं जो के क्या हो, जो के प्रोहिबिटेड प्लेसेस हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? उसे क्रॉस थ्रू नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो हम क्या चाहते हैं, हम ये बेसिकली स्नेक गेम बनाना चाहते हैं, ठीक है? ऑलराइट यार, क्या नाम तुम्हारा? यहां पर आ जाओ। सो हम ये गेम बनाना चाहते हैं, ठीक है? सो मेरा पहला सवाल है आपसे, व्हाट इज अ स्नेक? व्हाट इज अ स्नेक? इज इट ए स्टैटिक लेंथ थिंग? इट्स डायनामिक, ओके? पहली बात तो ये डायनामिक है, ठीक है? दूसरी बात, स्नेक है क्या? हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ स्नेक? हाँ, इट्स एक्चुअली एन अरे ऑफ व्हाट? हाँ, इट्स एन अरे ऑफ व्हाट? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर कोई स्नेक है, आई डोंट नो सर, पॉज का बटन था या नहीं था। सो अगर मैं, सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वक्त आपको स्नेक दिखाऊं, तो ये स्नेक आपको नजर आ रहा है ना, एक ये जगह है, फिर ये जगह है, फिर ये जगह है, फिर ये जगह है। व्हाट इज अ स्नेक? स्नेक इज एन अरे ऑफ व्हाट? नॉट पॉइंटर्स, नॉट कैरेक्टर्स, पिक्सल्स, पोजिशंस। व्हाट इज अ स्नेक? स्नेक इज एन अरे ऑफ पोजिशन। एंड व्हाट इज अ पोजिशन? पोजिशन हैज अ रो एंड अ कॉलम, ओके? सो व्हाट इज अ स्नेक? स्नेक इज नथिंग बट व्हाट? इट्स एन अरे ऑफ पोजिशंस, ओके? और बाद में स्नेक के साथ आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी एसोसिएट कर सकते हैं। सो लेट मी, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, तो मैं ना क्या करता हूं, आपके सामने एक स्नेक का स्ट्रक्ट बनाता हूं। सो लेट मी डिफाइन व्हाट इज अ स्नेक। सो आई विल से स्ट्रक्ट के नाम ऑफ अ स्नेक, ओके? ठीक है, अब सवाल यह, स्नेक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है? सो एक काम हम ये करते हैं, अच्छा एक काम और करते हैं, वो ये कि एक स्ट्रक्ट और बना लेते हैं, इसके नाम रखते हैं पोजीशन, जिसके अंदर क्या पड़ा होता है, एक रो पोजीशन होती है और एक कॉलम पोजीशन होती है, ओके? एंड व्हाट इज अ स्नेक? स्नेक इज द अरे ऑफ पोजीशंस, ओके? ऑलराइट यार, कितना गंदा कलर है इसका, यार इसके कलर तो ठीक करो आके इसके। हाँ यार, ये क्या फायदा है इसका ऑपरेशन का, यार सर कलर तो बहुत फारे है, नजर ही नहीं आ रहा। यार तस्वीरें लेना, यार तस्वीर लेना सिर्फ, हाँ? अच्छा और क्या होना चाहिए स्नेक के अंदर? ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पॉइंटर है ना, तो पॉइंटर क्या कर रहा होगा, पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा एक अरे की तरफ, ऐसी है ना? लेकिन वो कितने साइज की अरे की होगी जिससे पॉइंट कर रहा होगा, तो हमें क्या करते हैं, एक और वेरिएबल भी रखते हैं जिसका नाम है साइज, ओके? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। एक और काम भी कर लेते हैं, एक और नाम रखते इंक कलर। कलर क्यों रखा है, स्नेक का कलर क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं और साथ नाम, तुम्हारा नाम क्या? हाँ, मैं और दानिश फॉर एग्जाम्पल खेल रहे,
तो मेरा स्नेक जो है व्हाइट कलर का है, स्नेक रेड कलर का है, ठीक है। हसन भी खेल रहे हैं, हसन लगा जो है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो हमने कलर का एक अट्रीब्यूट रख दिया, ये बस में आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। बाद में इससे हम फिगर आउट करेंगे कि ये जो टकराया है ये अपने आप से टकराया या वो किसी अपोनेंट से टकराया है, ये बात है, क्योंकि हमने मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी है, ठीक है। अच्छा, और कुछ रखे इसके अंदर, और कुछ रखे इसके अंदर? यस रखेंगे, क्यों, क्या रहेंगे? हमें हर स्नेक के अंदर कुछ प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। आई डोंट नो आपने कभी खेला ही नहीं खेला, आई डोंट नो कभी आपने मल्टीप्लेयर गेम खेली हो। तो फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं, लेट्स से कार रेसिंग कार की गेम खेल रहे हैं, तो आप लेट्स से दो प्लेयर खेल रहे हैं, तो दो प्लेयर खेलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ क्या सेलेक्ट करते हैं? अपनी कार सेलेक्ट की, हसन ने अपनी कार सेलेक्ट की, तुम्हारा नाम क्या है, इब्राहिम ने अपनी कार सेलेक्ट की, फिर क्या होगा, हाँ नहीं, फिर आप एक और चीज भी सेलेक्ट करते हैं, एक ही लेट्स से कीबोर्ड पर खेल रहे हैं, पुराने जमाने का है ना, तो क्या करते हैं आप अपने कंट्रोल डिसाइड करते हैं कि जो ये वाली कार है इसके कंट्रोल ये हैं और ये वाली जो कार है उसकी कंट्रोल ये हैं, ये हम क्यों सेट करते हैं, हाँ ताकि ये कीज प्रेस होंगी तो ये वाला चलेगा और ये वाली की प्रेस होंगी तो ये वाला की चलेगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो मैं अभी कंट्रोल डालता हूं, सो हर स्नेक के साथ एसोसिएटेड से कंट्रोल है, ठीक है। तो कंट्रोल क्या होने चाहिए, सो एक मैं लिखता हूं एंट लेफ्ट, एंट, हाँ जी बताएं, राइट, एंड अप, एंड डाउन, ओके। ये इसकी कीज है, ये बात समझ। अब मैं आपके मजे की बात बताऊं, हम सारा कोड एक एक स्नेक के लिए लिखेंगे, हम सारा का सारा कोड एक स्नेक के लिए लिखेंगे, है ना, ये बात समझ। एंड ओनली द पार्ट विच विल बी डिफरेंट इज दिस, ओके। हम एक कोड लिखेंगे, मल्टीप्लेयर स्नेक इज नथिंग बट दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज डेटा टाइप। अगर मैं इस स्नेक के दो ऑब्जेक्ट बना दूं तो दो प्लेयर स्नेक चलना शुरू हो जाएगा, अगर मैं इसके तीन स्नेक बनाऊंगा तो तीन स्नेक चलना शुरू हो जाएंगे, और अगर मैं चार बनाऊंगा तो क्या होगा, चार स्नेक चलना शुरू हो जाएंगे, बस नहीं, दैट्स इट, ओके। I hope you can get an inspiration from this. Okay, what a powerful idea is this fact. Okay? अभी हम करते हैं, ठीक है? तो ये हमने snake बना दिया, okay? I don't know कुछ और डालना या डालना, but like, I think ये इतना काफी है, ठीक है? अब आप इसको मजीद enrich करना चाहते हैं, आप करें, ठीक है? All right, जी. अच्छा, before I move forward, I want to talk about something really special. आमतौर पर जब हम गेम्स खेलते हैं, आमतौर पर जब हम गेम्स खेलते हैं, जैसे चेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने टिक टैक टो बनाई थी, जो गोमू को बनाई थी, उसमें हम क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट दिखाता है, ठीक है, वो जो भी है डिस्प्ले करवाता है बोर्ड, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करते हैं, वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए रुक जाता है, ठीक है। ये देख, मेरा सवाल सुने क्या, क्या अगर मैं की प्रेस कर रहा हूं कुछ हो रहा है, इसे चलता रहना चाहिए, ये बात समझ आ रही। आमतौर पर जब हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, दैट्स अ ब्लॉकिंग कॉल। व्हाट इज अ ब्लॉकिंग कॉल? ब्लॉकिंग कॉल इज अ कॉल विच स्टॉप्स द कंट्रोल, कि आप जब तक ये नहीं चलेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये बात समझ आई। स्नेक गेम के अंदर यू हैव टू मेक ए प्रोग्राम विच इज नॉन ब्लॉकिंग। व्हाई इट इज नॉन ब्लॉकिंग? बिकॉज अगर हम कोई की प्रेस करें तो इसके मुताबिक उसके नतीजे में कुछ होना चाहिए, लेकिन अगर की प्रेस ना करें तो भी कुछ होना चाहिए, ये बात समझ। दैट इज कॉल्ड नॉन ब्लॉकिंग टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी विल गोइंग टू अचीव, ओके। सब कुछ समझ आई बात? सो लुक एट दिस, बिफोर आई मूव टू स्नेक आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग एल्स, ओके। लुक एट दिस, प्लीज एप्रिशिएट कि मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, एक बड़ा खूबसूरत फंक्शन होता है, अच्छा ये वाइल ट्रू लिखा मैंने, ओके ये क्या होगा, ये कोड क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इट्स एन इनफिनिट लूप, बस चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, अच्छा एक बड़ा मजे का फंक्शन होता है, इसे कहते हैं इफ के बी हिट, ओके। ये एक फंक्शन होता है जो बूल रिटर्न करता है, ओके, और ये बताता है क्या कोई की प्रेस हुई है,
क्या कोई की प्रेस हुई है? क्या कोई की प्रेस हुई है का मतलब यह है कि अगर की प्रेस हुई है, इन बफर में हमने कोई भी की डाल दी है, तो ये फंक्शन ट्रू रन करेगा। अच्छा, बफर से की निकालेगा नहीं, ठीक है? इसका काम सिर्फ ये है, बफर में कोई की आ गई है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देना। ये बात समझ में आई? ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस। मैं कहता हूं इफ के बी हिट, मैं कहता हूं कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू गेट, ओके, और मैं कहता हूं सी आउट लेट्स से इंट वैल्यू ऑफ सी एच, ठीक है? तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर कोई की प्रेस हुई है तो ऐसा करो उस की को रिसीव कर लो, ठीक है, और ऐसा करो उसके उसकी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवा देना। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, सो बेशक इसकी कैर वैल्यू भी डिस्प्ले करवानी है तो करवा दे, मतलब लेके सी एच भी डिस्प्ले करवा दो और उसकी आस्की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा दो, ठीक है? सो फार सो गुड, ठीक है बेटा, अभी चलाओ चलाओ प्रोग्राम चलाओ। कंट्रोल एफ फाइव, शाबाश, नो करो से, क्या कह रहा है? कह रहा है कोई मेन दोबारा तो नहीं बना हुआ? अच्छा, ऊपर जाके ना इंक्लूड करो एक कोई फाइल एस टी डी आयो, शायद इंक्लूड करनी पड़ेगी, ऊपर जाके लिख दो एस टी डी आयो, एस टी डी लिप कर दो बेटा, हैश भी लिखना पड़ेगा, एस टी डी लिप कर दो बेशक, एस टी डी लिप डॉट एच, बंद कर दो, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट बी दबाओ, अभी भी कह रहा है, अभी भी कह रहा है, आप क्या कह रहा है? अच्छा, ये अंडरस्कोर के भी हिट है, ऊपर करें। अच्छा, मैं ना ये जो नई लाइब्रेरी था ना, उन्होंने उसका नाम अंडरस्कोर गैच कर दिया और अंडरस्कोर के भी हिट कर दिया, तो ऊपर करें बेटा, इसकी जगह अंडरस्कोर लिखते हैं साथ, शिफ्ट अंडरस्कोर, वो थोड़ा जोर से दबाना पड़ता है, शाबाश, अब कंट्रोल शिफ्ट बी दबाए, ठीक हो गया, आप कंट्रोल एफ5 दबा दें। अच्छा, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें ताकि हमें नजर आ जाए, नजर नहीं आ रहा ना, शाबाश बेटा, ए प्रेस करें, ये देख रहे हैं ए प्रेस हुआ, कैपिटल ए प्रेस करें, ठीक है? देखिए वो लूप चल रहा है, ये लूप चल रहा है, अगर हमने कोई की प्रेस करते हैं तो वो उस इफ के अंदर आता है और वो उस इफ को रिसीव करता है। बेटा कुछ और प्रेस करें, देखिए फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, अच्छा एंटर प्रेस करें, ये देखें 13, एंटर की होती 13, स्पेस की पा होती है, ठीक है 32, ठीक है? अच्छा आप मजे की चीज देखना, ये 32 प्रेस हुआ, ठीक है? अच्छा आप ऐसे करें, एरो की प्रेस करें, वो क्या हुआ? जब इसने एरो की प्रेस की तो ये क्या प्रेस हुआ, ये क्या दिखा रहा है? एक्चुअली एरो की इज अ स्पेशल की विच जनरेट्स टू कीज, ओके, वन इज अ स्पेशल की विच इज कॉल्ड -32 एंड द सेकेंड इज बेसिकली 72। ये ना बेसिकली क्या करता है, ये एक पेयर जनरेट करता है, ठीक है? तो हम लिखते जाते हैं, बेटा आपने कौन सी की प्रेस की थी? आप पैरो, आप पैरो, सो आप पैरो की हमने क्या निकाली है, ये पेयर जनरेट करता है -32 और क्या होता है 72, ओके? डाउन एरो करो बेटा, जी बताएं कि डाउन एरो को क्या होता है, -32 और क्या होता है 80 होता है, जी राइट एरो प्रेस करो, क्या हुआ -32 और क्या है 77, और लेफ्ट एरो प्रेस करो, क्या होता है -32 और क्या है 75, Does it make sense? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है? तो एक स्नेक को तो हम ये कहेंगे, ये एरो की असाइन करेंगे, और एक को हम ए एफ डी और ऊपर वाला कर देंगे, जो भी होता है, आई डोंट नो क्या होता है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो मैं ये वाला असाइन करता हूं, दूसरा वाला आप खुद करेंगे असाइन, ये समझ में आई हो बात? ठीक है, शाबाश, थैंक यू, बैठ जाए, आपका नाम क्या है? हाँ मायसा, शाबाश, ठीक है, सो फार सो गुड, ऑल राइट जी, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड,
आई होप के एवरीबडी अंडरस्टूड के ये मैंने जो कोड लिखा है क्या कर रहा है, ठीक है। जो भी की प्रेस होती है उसके बारे में बताया जाए की आखिर की वैल्यू ये थी, ठीक है। जितनी भी स्पेशल कीज होती है ना, जैसे डिलीट हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, इन सब की दो दो कीज जनरेट होती है। क्या होती है? दो दो कीज जनरेट होती है। आप इसके साथ जो खेलना चाहे खेल सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल में दो दो कीज होती है। तो अच्छा, कोई है जो मैक वाला यूजर है? आपके साथ मसला होगा, वो मुझसे चेक करा लेना कि वो क्या करता है। अदरवाइज ना फिर आई डोंट नो उसका, आपका शायद थोड़ा सा वो डिफरेंट हो, हम बात देख लेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम इसको रोक देते हैं, इस प्रोग्राम को। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से बेसिकली आपका कोई लूप चल रहा हो इन्फिनिट, उसे ब्रेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वापस आते हैं। हम स्नेक गेम बनाना चाहते हैं, और स्नेक गेम भी क्या होगा, एक लूप होगा, ओके। और हम चाहते हैं कि वो जो लूप है वो स्नेक की मूवमेंट हैंडल करे, ओके। तो इसके अंदर मेरा पहला सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। हम फिलहाल एक स्नेक बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं स्नेक, एस कर देते हैं, ठीक है। आप ऑफ कोर्स एक स्नेक नहीं बनाएंगे, ये आप क्या करेंगे, आप यहां पे स्नेक्स की अरे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी है। तो आप मुझे यहां भी कितने लोग खेलना चाहते हैं, जितने लोग खेलना चाहते हैं आप उतने स्नेक बना देंगे। और बाद में आपको क्या करना चाहिए, इसी स्नेक के अंदर एक नाम भी रख देना चाहिए। क्या बोला? आई थिंक आपको एक स्ट्रिंग भी रखना चाहिए, नेम। ये कौन है? जब जिस जिस प्लेयर का स्नेक है वो उसका नाम यहां पर रहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैंने ये नहीं रखा, ठीक है, आप लोग खुद करेंगे ये चीज, ठीक है। तो जिसका जो प्लेयर है वो वहां पर आता जाएगा, ठीक है। और गो टू रो कॉलम से आप दिखाते जाएंगे इस स्नेक के इतने, ये इसने इतना फूड खा लिया, इतने से फूड खा लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। चले जी, ये हमारा स्नेक है जी। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एग्जैक्ट, एक्सलेंट। हर गेम का पहला स्टेप क्या होता है? आपके नाम होता है इनिशियलाइजेशन करना, ओके। तो हमने क्या करना है, इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो हम इस स्नेक को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहां आप लिखेंगे इनिट, इनिट, और इसमें हम एस भेज देते हैं, ठीक है जी। तो हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं जी। एक काम हम कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में हमें अपनी पूरी स्क्रीन के बारे में फिगर आउट करना चाहिए, क्या कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। और हम फिलहाल इनिशियलाइज कर देते हैं, लेट्स से कि ये रोज जो होंगी वो 80 होंगी, और जो कॉलम्स होंगे वो भी हमारे कितने होंगे, लेट्स से 80 होंगे, ठीक है। 80 बाय 80 का स्क्वायर है जिसके अंदर हमारा हमारी स्नेक गेम चल रही है, ठीक है। आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं अपने लिहाज से कर लें, ठीक है। आई होप सबको ये से चेंज करना आता है, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारी स्क्रीन है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और दिखाएंगे, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 40 बाय 40 कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट जी, और स्नेक जब हम करेंगे तो यहां पे हम रोज भी भेज देंगे और यहां पे कॉलम भी भेज देंगे। कोई बता सकता है मैंने ये रोज और कॉलम यहां पे क्यों भेजे? क्योंकि जब गेम शुरू होती है तो स्नेक कहां होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए, ओके। और हमने फूड जनरेशन करनी है ना, फूड जनरेशन कहां होनी चाहिए? वो इसी बाउंड्री के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे हमने ये चीजें करनी है, ठीक है। ऑलराइट जी, ये इनिशियलाइजेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन मतलब अभी नहीं हुई, अभी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। कंट्रोल सी, वॉइड, कंट्रोल वी जी। इसके साथ क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स यहां पे हम स्नेक टाइप का एस भेजेंगे, लेकिन एम परसेंट नहीं भेजेंगे। वाई एम परसेंट? ताकि जो चेंजेस हमने किए हैं इसके अंदर वो इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो, ओके। ऑलराइट जी, और क्या करें? और जो रोज हमने भेजी है वो ऑफ कोर्स बाय कॉपी ही रिटर्न कर भेज देंगे, भेज देंगे हम एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारा इनिट फंक्शन है, क्या करें इसके साथ जी, क्या करें इसके साथ? सॉरी जी, हमें सब कुछ जो करवाना करवाएं, आप ले नेम रिसीव करवाएं, रिसीव करवाएं,
या जो भी निष्कर्षण करनी है आप निष्कर्षण करें। बाय द वे आपने उनके मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी है तो यहाँ पर एक स्नेक नहीं पास हो रहा, वह स्नेक की अरे पास हो रही होगी, ओके, वो भी डायनामिक होगी। तो आपने वो जो स्नेक्स का पॉइंटर है वो बाय रेफरेंस यहाँ भेजना है, और नंबर ऑफ स्नेक का वेरिएबल होगा जो कि आपको बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपने निष्कर्ष करवाना है। ठीक है, थिंक अबाउट इट। पहले आप एक स्नेक, वन प्लेयर स्नेक बनाए, फिर उसको आप आहिस्ता से एक्सटेंड करें, उतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, ऑफ कोर्स ये सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आना। तो अभी मैं सिंपल सा काम करता हूं कि लेट्स से मैं दो तीन लेंथ का स्नेक बनाता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं उसको मिडल ऑफ द स्क्रीन में रखूंगा। ठीक है, तो मिडल ऑफ द स्क्रीन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये आप मुझे बताएंगे। तो हम करते हैं जी, बताएं, हम करते हैं जी एस डॉट, हाँ जी बताएं, डॉट पी इज इक्वल टू न्यू, हाँ जी एंड नहीं पोजिशन जी, कितने साइज की पोजिशन बनानी है, तीन साइज की बनानी है। ठीक है, और हम एक काम करते हैं कि s डॉट साइज जो है वो किसके बराबर रखते हैं, थ्री के बराबर रखते हैं। ठीक है, साइज था ना, क्या नाम साइज था ना, तो फिर क्या मसला क्या आ रहा है, ये तो मसला ना जी, ओह इंट क्यों लिखा मैंने, स्टूपिड मी, s डॉट साइज इज इक्वल टू थ्री। आगे बढ़ाए, अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब एक तरीका यह कि आप खुद इनिशियलाइजेशन कर लें, बताएं जी क्या इनिशियलाइजेशन करें, यहां पे हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, बताएं जी क्या इनिशियलाइजेशन करें, पोजीशंस तीन पोजीशंस बन गई, हम इन तीन पोजीशंस की इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, बताएं कैसे करें जी, हम कहेंगे रोज डिवाइडेड बाय टू कॉमा कॉलम्स डिवाइडेड बाय टू, ओके, ये रोज है, ठीक है, और हमने शुरू में ऐसा वर्टिकली रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है, जैसे मर्जी रखना रख दे। तो मैं लिखता हूं रोज डिवाइडेड बाय टू, और यहां पे रहते हैं कॉलम्स डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, ओके, और तीसरा भी इनिशियलाइजेशन बताएं क्या होनी चाहिए जी, रोज डिवाइडेड बाय टू, और यहां रहते हैं कॉलम्स डिवाइडेड बाय टू माइनस टू, ओके, ठीक है। तो ये मेरा स्नेक की इनिशियलाइजेशन हो गई, लेकिन ये स्नेक डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले नहीं हुआ अब तक, ओके, चलिए जी, स्नेक की इनिशियलाइजेशन हो गई, साइज भी हमने इनिशियलाइज कर दिया, एंड आई थिंक वी आर डन, ओके। अब हमारा एक फंक्शन होना चाहिए जो स्नेक को डिस्प्ले करवाए, सो वॉइड डिस्प्ले स्नेक, ओके, से क्या पास हो, स्नेक एम्परसेंटली एस पास हो, और ये स्नेक को डिस्प्ले करवाए, ठीक है। तो स्नेक डिस्प्ले कैसे करवाएंगे जी, बड़ा सिंपल सा काम है, गो टू रो कॉलम, हाँ जी, किस जगह जाए और जाकर डिस्प्ले करवा दें, लुक एट दिस। सो हम लिखेंगे फॉर लूप, इंटीजर i इज इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन s डॉट साइज, i प्लस प्लस, यानी बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कहना है स्नेक की तुम हर पोजीशन पे जाओ, ठीक है, और एक काम और कर देते हैं, यहां पे कैरेक्टर सिंबल लिख देते हैं, एक है डिस्प्ले स्नेक और एक है इरेज स्नेक, दोनों का काम एक से ही करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं क्या है, बाय डिफॉल्ट इसका इसको इनिशियलाइज कर देते हैं किससे, -37 से, व्हाट इज -37, फिल कैरेक्टर, ओके, तो हम कहते हैं गो टू, हाँ जी, एस डॉट पीज की कौन सी पोजीशन पे जाओ, आई पोजीशन का डॉट किस पे जाओ, रो पे जाओ, और एस डॉट पीज की आई पोजीशन के डॉट कॉलम इंडेक्स पे जाओ, और यहां जाके क्या कर दो, सी आउट कर दो, क्या सिंबल, ये बात सुनना की, ठीक है, दैट्स इट, हमारा स्टैक डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अभी तक मैं अगर सिर्फ इनिट करके डिस्प्ले स्नेक कॉल कर दूं ना, तो मैं मिडल ऑफ द स्क्रीन के ऊपर स्नेक डिस्प्ले होना चाहिए, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो लुक एट दिस, ये मैंने खत्म किया, ये मैंने इनिट किया, और यहां मैं कहता हूं डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले स्नेक, और डिस्प्ले स्नेक में मैंने एस भेज दिया, ठीक है, ऑल राइट जी, और एम ए इसको मैं ना एक वाइल वन में फंसा देता हूं, डू नथिंग, ओके, ताकि मुझे स्नेक नजर आता रहे, कंट्रोल है फाइव, ये देखिए नजर आया स्नेक, यहां नजर आ रहा है, है ना, क्यों यहां क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो छोटा कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में गए, यहां पे इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कौन सा फॉन्ट होता है बेटा, रास्टर फॉन्ट, इसको हम 8x8 कर देते हैं, और एंड यू कैन सी ये आपका स्नेक नजर आ रहा है,
टॉप लेफ्ट कॉलम है, ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, हमारा स्नेक डिस्प्ले होना शुरू हो गया, ठीक है, ऑल राइट। और अब वो ऑफ कोर्स एक वाइल लूप में फंसा हुआ है, और मैंने तो वाइल लूप में नहीं फंसाना इसको, तो मुझे क्या करना है? जी, आई एम नाउ राइटिंग द गेम लूप, ओके। सो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं, इंक्रीमेंट क्या? हाँ, बेसिकली हमें स्नेक की मूवमेंट ऐड कर दी है, तो हम चाहते हैं स्नेक जिस तरफ स्नेक की अच्छा बाद में एक छोटा सा काम और करते हैं, स्नेक के अंदर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टी मिसिंग है? नहीं 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 नहीं, शाबाश, ये देखिए मैं ना एक इनम बना रहा हूं, इसे कहते हैं डायरेक्शन। इनम पता क्या होता है? इनम बेटा होता है कि जैसे इनम होता है एक और तरीका होता है डेटा टाइप बनाने का, ठीक है, ये यूजुअली कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए होती है। पुराने जमाने में जो बूल डेटा टाइप थी ना वो इनम से बनती थी, कैसे? आप लिखते इनम या लिखते बूल और अंदर लिखते थे फॉल्स और ट्रू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लुक एट दिस, तो इनम का क्या होता है, इनम ये होता है कि फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में ना बूल कोई डेटा टाइप नहीं होती थी, तो आप यू लिखते बूल और यहां लिखते थे फॉल्स और यहां लिखते ट्रू। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये डेटा टाइप बन रही है, इसका नाम क्या है? बूलियन इसकी डेटा टाइप है, इसके अंदर या वैल्यू होगी फॉल्स या वैल्यू होगी ट्रू, ओके। बाय डिफॉल्ट जो पहला वैल्यू पहली पहली वैल्यू होती है ना, उसकी होती है वैल्यू जीरो, और इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी। ये बात समझ? ये मैंने अभी यहां पर सेमी कॉलन डाल दिया, सेमी कॉलन यहां पर नहीं होता, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है? स्टूपिड, हां ऐसे होता है, ये क्या क्यों रहा है? अच्छा, फॉल्स पहले ही डिफाइन है, तो मैं कहता हूं क्या सही नहीं गलत, और यहां करते हैं सही, ठीक है आप, ठीक है, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स पहले डिफाइन है, तो वो कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो पुराने जमाने में बूलियन इस तरह बनाते थे, इस तरह फॉर एग्जांपल बहुत पुराने जमाने में अगर लोगों ने बनाना होता ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी मंथ की अगर डेटा बनानी होती तो वो लोग करते इनम, यहां करते क्या मंथ, और यहां करते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह से लेकर दिसंबर तक, बट ना जनवरी के साथ इक्वल टू वन लिख देते। अच्छा, जब इक्वल टू वन लिख देते इसका मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू वन है, आगे वाली वैल्यू उससे एक एक इंक्रीमेंट हो रही है, ये बात समझ? मैं आपको दिखा देता हूं, और फिर उससे ये आप देखो फर्स्ट ये क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है, मैं कहता हूं इनम, मैं कहता हूं मंथ, और ये क्या है, मैं कहता हूं जनवरी इक्वल टू वन, फिर मैं कहता हूं फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ओके। सो ये बेसिकली मैंने क्या बना दिया, ये मैंने डेटा टाइप बना दिया, जिसकी डेटा टाइप की जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसकी वैल्यू इनमें से कोई वैल्यू होगी, ये बात समझना, ठीक है। ये बनाने का फायदा क्या होता है? जस्ट ए कॉन्स्टेंट, लेकिन ना कोड में लिखा हुआ डबल इक्वल टू वन या डबल इक्वल टू की जगह लिखा हुआ इक्वल टू जनवरी इक्वल टू फरवरी, दैट इज मोर रीडेबल, ये बात समझना। तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। तो मैं भी फॉर एग्जांपल इसको इन दोनों को खत्म कर देता हूं, ठीक है, और आपके सामने एक और इनम बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं डायरेक्शन, ठीक है, और मैं रखता हूं क्या अप, हाँ जी बताएं, एक रखते हैं अप, एक है डाउन, एक है लेफ्ट, जी और रखें राइट, ठीक है। अगर चार वेरिएबल है तो फायदा क्या हुआ? फायदा यह होगा कि जब भी मुझे चाहिए होगा, अच्छा अब मैंने इसको एक अब मसला यहां पर भी मैंने ये रखा हुआ है, तो ऐसे करते हैं इसका नाम ना लेफ्ट की जगह लेफ्ट की रख देते हैं, और यहां रखते हैं राइट की रख देते हैं, और यहां क्या करते हैं की कर देते हैं, और यहां पे की कर देते हैं, और जो एक मैं हर स्नेक की एक डायरेक्शन होती है, तो मैं करूंगा यहां पर मैं डायरेक्शन का एक वेरिएबल बना लूंगा, नाम रख दूंगा क्या डी आई आर, ओके, कि इस वक्त इस स्नेक की डायरेक्शन कहां है, ये बात समझ आएगी? क्योंकि हम चाहते क्या है, हमें अगर स्नेक की जो डायरेक्शन है उस तरफ से चलते रहना चाहिए, अगर आप डायरेक्शन है तो आपकी तरफ चलते रहना चाहिए। ओए खड़े हो जाओ, वहां ना खड़े हो जाओ, अगर आप डायरेक्शन है तो आपकी तरफ चलते रहना चाहिए, डाउन डायरेक्शन है तो डाउन की तरफ चलते रहना चाहिए, राइट डायरेक्शन है तो राइट तरफ चलते रहना चाहिए, अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो लेफ्ट तरफ चलते रहना चाहिए, ये बात समझ? तो हर स्नेक की एक डायरेक्शन होती है,
हर सिरा की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, सो फार सो गुड, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, तो जहां हमने इनिशियलाइजेशन किया वहां पर हम एक और काम भी करते हैं, एस डॉट डायरेक्शन की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट क्या कर दें? राइट कर देते, तो हम कर देंगे क्या? राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर राइट आपको इनेबल हो गया, अब अगर राइट पे मैं माउस लेके आऊं तो मुझे बकायदा कोई एक वैल्यू भी शायद बताना चाहिए। राइट की कितनी है? 3 लिखी हुई आ रही है, ऑटोमेटिकली इसे बता दिया 3 वैल्यू। हालांकि मैंने कहीं इनिशियलाइजेशन की है, मैंने कहीं इनिशियलाइजेशन नहीं, ठीक है, बट फायदा क्या हुआ कि मुझे मैं हर जगह पे राइट लेफ्ट वगैरह यूज करूंगा, ठीक है, तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आपको इन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट जी, सो अब हम इधर आते हैं। अब मैं चाहता क्या हूं? अब मैं चाहता यह हूं कि जो भी उसकी डायरेक्शन है इस तरह से चलते रहना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सही है। सो हम क्या करेंगे जी? सो पहला मैं सिंपल सा काम करता हूं, वो ये है, मेरा काम है स्नेक का गेम लूप लिखना, और वो है कहता है डिस्प्ले स्नेक। ठीक है, इसमें एस पास कर देता है, ठीक है, फिर वो करता है डिस्प्ले स्नेक अगेन, और एस पास कर देता है और स्पेस कर देता है। इसका मतलब क्या है? ये स्नेक को डिस्प्ले किया इसने, यहां पे स्नेक को क्या कर दो? इरेज कर दो। ओके, ऑल राइट, और हम दरमियान में एक कौन काम करते हैं, वो है मूव स्नेक। ओके, और इस पर हम एस ले लेते, ठीक है। मूव स्नेक ने क्या करना है? जो भी उसकी डायरेक्शन है उस तरफ एक दफा मूव कर जाना। ये बात समझ? ठीक है, अब हम करने लगे। ठीक है, ऑल राइट, सो ये फंक्शन लिख देते हैं मूव स्नेक का, और मूव स्नेक बड़ा आसान सा फंक्शन है। क्या करना है मूव स्नेक ने, प्लीज मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे बताएं। सो बेसिकली ये शायद कहां पर है? गुड, ये है जी मूव स्नेक। स्नेक M% एस पे जाता है, वाई M%, जो भी चेंज करनी है उसमें चेंज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं करूंगा, देखते जाने का करूंगा मैं जी। फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मैंने फंक्शन लिख रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन चार्ट यही है, उसके बाद अभी गेम चलना शुरू हो जाएगी। ओके, ये मैंने लिखना है कि मूव स्नेक फंक्शन। ठीक है, इमेजिन करें दैट्स अ वेरी स्नेक कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो फॉर एग्जांपल इमेजिन करें आपका स्नेक इस तरह का, ये जी आपका स्नेक है, आपका स्नेक जी, ये आपका स्नेक का मुंह है, और स्नेक जी इस तरह का है, ये आपका स्नेक है। आपने आई डोंट नो कितने लोगों ने स्नेक गेम खेली हुई है, तो आपने बड़े बड़े स्नेक बनाए होंगे ना, तो स्नेक तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप का हो सकता है। अब आपने ये करना है, कैसे करेंगे सोचते? अब लेट्स से स्नेक की डायरेक्शन इस तरफ है, स्नेक की डायरेक्शन है इस तरफ, सो स्नेक की डायरेक्शन है, स्नेक की डायरेक्शन है लेट्स से इस तरफ, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्नेक है। तो सवाल यह कि कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये तो बाय द वे मैंने अभी तो 3 लेंथ का इनिशियलाइज किया हुआ ना, हो जाता है 3 लेंथ का ना, 4 लेंथ का, 5 लेंथ का, 50 लेंथ का, 500 लेंथ का, इस वर्दी लेंथ का, इट डजंट मैटर। सो मैंने करना है मूव स्नेक, क्या होना चाहिए जी? हर पॉइंटर क्यों कह रहे हो यार तुम? हर पोजीशन जो है वो एक एक शिफ्ट होनी है ना, लुक एट दिस, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल आंसर। तुम्हारा नाम क्या बेटा? Then, thank you, then. देखो बेसिकली होना क्या है, ये इसकी टेल है ना, टेल के बाद का जो कोऑर्डिनेट है इसने इस तरफ आ जाना है, और इधर जो था उसने इसके बाद वाले पे आ जाना है, इसने इसके बाद वाले पे आ जाना है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, है ना। सो मजे की बात ये है कि टेल ने अगले अपने एक पिछले वाले पे जाना है ना, सब ने एक अपने पीछे वाले पर जाना है ना। तो डू यू अग्री के लूप उल्टा चलना है? क्योंकि हमने क्या करना है, हमने कहना है लास्ट को असाइन कर दो सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट को असाइन कर दो
ठीक है, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन तो फोर्थ लास्ट, ये बात नहीं, ये बात नहीं, हाँ, जो सेकंड पे होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा हेड, ऐसे है, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो होगा ये कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। अब सवाल मेरा ये है, हेड कहां आएगा, सॉरी गलत, एक्सलेंट पॉइंट, हेड विल बी डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन इज राइट देन ऑल वी हैव टू डू इज इंक्रीमेंट द कॉलम बाय वन, इफ द डायरेक्शन इज अप देन वी हैव टू डिक्रीमेंट इट्स रो बाय वन, इफ द डायरेक्शन इज डाउन देन इट्स then it's nothing but incrementing its row by one. If the direction is left, I hope everybody understands this. So, remember, that's it. And we are done. Okay? So, let's do that. Okay? So, I will say, start the loop from size minus one. ठीक है? यहां क्या होना चाहिए? आप मुझे बताएंगे. ठीक है, और यहां हमने क्या करना है, एस डॉट पीज की आईएथ पोजीशन पे जाके रखना है, एस डॉट पीज की कौन सी पोजीशन, आई माइनस वन पोजीशन, ये बात समझ आई, तो शिफ्टिंग हो जाएगी, द ओनली थिंग रिमेनिंग इज व्हाट, जी ये लूप कहां तक चल रहा है, ये पीछे वाले पे इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है ना, आई पे आई माइनस वन रख रहा है, तो किस पे वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, I has to be, so I minus 1 has to be, ठीक है, I minus 1 has to be greater than or equal to 0, ये बात समझ आई, सॉरी आई थिंक ठीक है, I decrement होगा, ठीक है, क्योंकि जब आपका I minus 1 minus 1 के बराबर है तो नहीं चलना चाहिए, ये बात सुना, ठीक है, और अब यहां जाते हैं, अब बेसिकली हमने डिटरमिन करना है कि स्नेक की पोजीशन क्या है, ओके, यहां पे हम लगाते हैं एक इफ, बल्कि क्या इफ लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, और स्विच लिखते हैं जी एस की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, केस लिखते हैं, और लिखते हैं क्या है? जी राइट है, ठीक है, यहां लिखते हैं ब्रेक, केस लेफ्ट, ओके, यहां लिखते हैं ब्रेक जी, केस क्या लिखेंगे अप, ठीक है, यहां लिखते हैं ब्रेक, और यहां लिखते हैं केस डाउन, ठीक है, यहां लिखते हैं क्या ब्रेक, ओके जी, राइट है, केस में कुछ भी नहीं करना, क्या करेंगे हम, एस डॉट, हां जी पीज की जीरो की पे जाके रख दो, क्या रख दो जी बताएं, क्या इनिशियलाइज करूं मैं, बाद में आप स्पेसिफिकली डॉट रो और डॉट कॉलम को अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि हां भाई रो तो चेंज नहीं होना, पीज के जीरो का डॉट जो रो है वो तो चेंज नहीं होना, ठीक है, और क्या चीज होना है, कॉलम में इंक्रीमेंट होना है, तो बेसिकली बल्कि मैं एक और काम करता हूं, ये इस तरह भी आप शायद कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करता, बल्कि मुझे पता है जब मैं राइट पे हूंगा तो मुझे कॉलम को ही चेंज करना है, तो डॉट सी आई को क्या कर दो, वाह प्लस प्लस कर दो, ये बात सुनना, और ये देखिए जी एस डॉट जी लेफ्ट पे क्या होगा, पीज की जीरो की डॉट सी आई पे कर दो माइनस माइनस, और एस की डॉट पीज की जीरो पे गए डॉट रो है अप है ना, तो माइनस माइनस, ओके, और यहां क्या होगा, एस डॉट पीज की जीरो पे की डॉट आर आई पे क्या कर दो, ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, The only problem is, अब मैंने बात कर रही है, मैंने ये मूव स्नेक का जो है ना कोड मैंने डाल दिया हुआ है, और आप देखिए क्या होता है, ये मूव स्नेक है ना, एक काम और कर लेते हैं, आई डोंट नो डिले का फंक्शन था क्या था, स्लीप का था, स्लीप का था ना, स्लीप, और यहां पे मैं 100 डाल देता हूं, ठीक है, सो कंट्रोल F5, लुक एट दिस बूलियन रीडेफिनेशन, तो इसको हटा देते हैं,
वरना समय इसको बिठा दे, ठीक है, कंट्रोल एफ फाइव, ये देख दे, देखने क्या हो रहा है, कैन यू सी ए प्रॉब्लम, हाँ, एक तो इरेज नहीं हो रहा, एक तो इरेज नहीं हो रहा, इरेज नहीं हो रहा, ठीक है, और ये तो भाई अन्य बात चले जा रहा है, कैन यू सी ए प्रॉब्लम, देर इज ए ह्यूज प्रॉब्लम, पहली बात इसको इरेज होना चाहिए था, क्यों नहीं बोल, शाबाश, हो ये रहा है कि एक्चुअली जब वो मूव स्नेक कर देता है तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं और फिर आप उसे कहते हैं जाके मूव करो, तो एक्चुअली मूव करने से जस्ट पहले क्या करना चाहिए, इसको क्या कर देना चाहिए, बड़ा इरेज कर देना चाहिए, तो यहां पे स्लीप लगना चाहिए, तो क्या मतलब, पहले डिस्प्ले कराओ, थोड़ी देर स्लीप करो, फिर क्या करो, फिर उसको पुराने वाले को इरेज कर दो, फिर मूव करो और फिर दोबारा फॉर्म डिस्प्ले करवा दो, तो दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए, आप देखिए आप ठीक चलेगा, आह क्या बात है जी, ठीक है, आपका स्नेक मूव होना शुरू हो गया, बाय बाय, ये देखिए, अच्छा आप देखिए मैं एरो की दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, दूसरी बात एक और भी मसला हो रहा है, और मसला ये हो रहा है कि ये अपनी स्क्रीन से बाहर जाएगा, तो स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने स्क्रीन से बाहर का तो कोड नहीं लिखा, तो एक्चुअली एक काम होना चाहिए वो ये कि ये जो हमने प्लस प्लस किया है, साथ ही हम एक और काम भी करते हैं, वो ये कि अब ना एक काम करते हैं कि एस डॉट डॉट पीज की डॉट सी आई को चेक कर लेते हैं, क्या वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर तो नहीं हो गया, अगर वो बराबर हो गया तो क्या करेंगे, एस डॉट पीज की जीरो की डॉट सी आई को क्या कर दो, जीरो कर दो, ये बात समझ, जिसका मतलब है कि इसको क्या पास होगा, रोज और कॉलम्स दोनों के दोनों क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है, इसी तरह हमें यह भी करना चाहिए कि अगर वो क्या हो जाए तो वापस पीछे ले आए, जी बताएं, अगर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना तो एस डॉट पीज की जीरो की डॉट सी आई क्या हो जाए, अगर वो माइनस वन के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर से स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तो क्या होना चाहिए, एस डॉट पीज की जीरो की डॉट क्या करें, डॉट सी आई को क्या कर दे, कॉलम्स माइनस वन के बराबर, वाई माइनस वन, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, ठीक है, तो उसके बराबर कर दे, डजंट मेक सेंस, और बिल्कुल इसी तरह रोज के बारे में भी होगा, ठीक है, सो लुक एट दिस, अब हमारा कोड चलना चाहिए, की हो गया नो, अच्छा हमने मेन में ऑगुमेंट नहीं भेजे, तो हम यहां पे जाते हैं मूव स्नेक, इसमें हम रोज भेज देते हैं और इसमें हम कॉलम्स भेज, तो कंट्रोल एफ5, ये देखिए, ठीक है, वाह जी वाह, डज इट मेक सेंस, ठीक है, थोड़ा देर रुक जाओ, ठीक है, आई नो सवाल आपके बहुत सारे होंगे, ठीक है, बस अब एक चीज और ऐड करनी है और वो एरो कीज, ठीक है, अगर कोई एरो की हम ऐड करें तो उससे कोरिस्पॉन्डिंग उसकी डायरेक्शन बदल जानी चाहिए, पर हमने वो एक लाइन शायद तीन लाइनों का फंक्शन होगा जब हमें लिखना होगा, है ना, एक्चुअली हमने अब की भी है, के भी हिट डालनी है कि अगर कोई की प्रेस हुई है तो जिस स्नेक की प्रेस हुई है उसकी डायरेक्शन बदल जाए, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, सो हम एक काम करते हैं जी, इफ क्या के बी हिट, अगर के बी हिट हुई है तो हमें कुछ करना है, ठीक है, हमें की को रिसीव करना है, पहली बात तो ये अगर ना हमने की को रिसीव करना है जी, सो सबसे पहला काम ये है कि हम गेट करेंगे, ठीक है, और गेट में जाके लिखेंगे क्या, इंट, इंट की, ठीक है, बाय द वे अगर वो एरो कीज हम ना डालते ना, एबीसी वगैरह कर देते तो बड़ा आसान था लिखना, हम क्या करते ए की आस की वैल्यू से कंपेयर करते तो भाई लेफ्ट है, और अगर ए के साथ क्या है, अगर डी है तो फिर वो इधर जाएगा, ई एस है तो वो नीचे जाएगा, और डब्ल्यू है तो ऊपर जाएगा, ये समझ में आई सबको बात, मैंने क्या बात की है, ठीक है, तो वो तो बड़ा आसान, लेकिन अगर हमने एरो कीज भी डाल दी तो वो स्पेशल कीज होती है, तो स्पेशल कीज के लिए बेटा हमने क्या कहा था बताया मुझे, अगर हमारी की बराबर है किसके, माइनस 32 के बराबर है, तो इसका मतलब है इसके बाद एक और की भी आनी है, अगर माइनस 32 की आई है इसका मतलब है एक और की भी आएगी, तो उसको भी रिसीव
कर लो, वो है क्या, की इज इक्वल टू क्या, अंडरस्कोर गेट अगेन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक हो गया बात। हम क्या करेंगे बेटा बताए? हां जी, अगर क्या है बताए मुझे, अगर की वैल्यू बराबर आई है किसके, 72 के, ठीक है, बल्कि छोड़े इस बात को, हम करेंगे चेंज डायरेक्शन, ओके, और हम क्या भेजेंगे, स्वयं एस भेजेंगे और स्वयं की भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ना कन्वेंशन होती है कि ना आप एक काम क्या करें कि ना कि जब भी आप ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जिसके अंदर दो वर्ड्स हैं तो पहला का लेटर छोटा होगा और अगले वाले का लेटर बड़ा होगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं कौन सा करेक्ट, कैमल, हाँ ठीक है, तो कंट्रोल जी, कैमल केस कहते हैं इसको। सो वॉइड यहां गए और यह की हो गया, कंट्रोल वी नहीं था जी, क्या था, चेंज डायरेक्शन, इसमें स्नेक टाइप का एम परसेंट एस भाग भेज जाता है और कुछ भेज जाता है, हाँ जी, एक उसको इंटीजर की भेज जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा बताएं जी, बताएं क्या करेंगे, हम करेंगे अगर, सो स्विच, हाँ जी बताएं, की जी, अगर केस क्या है, 72 है, ब्रेक जी, अगर केस क्या है, 80 है, ब्रेक जी, अगर केस क्या है, हाँ 77, ब्रेक, और अगर केस क्या है, 75, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू इज 72 के केस में एस डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या कर देंगे, आप कर देंगे जी, और एस डॉट डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या कर देनी है, डाउन कर देनी है, और एस डॉट डायरेक्शन इज इक्वल क्या कर देनी है, राइट कर देनी, ठीक है। और ये मैं कर रहा हूं गलत, कोई मुझे बता सकता क्यों, कोई मुझे बताया क्या गलती है इसके अंदर, अगर आप अप हैं और मैं डाउन प्रेस कर दूं तो वो स्नेक फौरन मर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को ऑपरेट करेगा, है ना। एक्चुअली होता ही है कि अगर मैं अप एरो, अगर मैं अप की डायरेक्शन में हूं तो मैं डाउन नहीं जा सकता, ये बात समझ में आई। तो एक्चुअली हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है, वो ये कि यहां पर हमें अप क्यों प्रेस हुई है, तो हमें पहले चेक करना चाहिए कि एस डॉट डायरेक्शन जो है वो अगर डबल इक्वल टू है किसके बराबर, डाउन के बराबर, तो कुछ भी ना करें रिटर्न करते, ये बात समझ, ठीक है, ये रिटर्न कर देंगे कसर से बाहर आ जाए, और आई थिंक बाकी टेक्स आप खुद लगा लेंगे, डज इट मेक सेंस, ठीक है। यानी कि चेंज डायरेक्शन तभी होगी जब आप राइट पे और आप प्रेस कर दें या डाउन प्रेस कर दें, ठीक है ना। तो ये आप बाकी चेक आप खुद लगा लीजिए, ठीक है, सॉरी, यहां पे आना था लेफ्ट, शाबाश, थैंक यू सो मच, यहां के साथ मैंने 32 नहीं लगाया, ठीक है। तो अब हम यहां डरते हैं, डिस्प्ले किया, चेंज डायरेक्शन किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ फाइव, क्या मसला, इसे चलना चाहिए, ये तब चल रहा है जब ये चल रहा है, ओ इफ के बी हिट, अगर के बी हिट हो तो ये काम करे, ये क्यों कर रहा है इस पर, करना नहीं चाहिए, ओ कैन यू सी प्रॉब्लम, फंक्शन कॉल, ठीक है, मैंने फंक्शन कॉल की जगह से फंक्शन का नाम लिखा हुआ है तो हमेशा ट्रू हो रहा है, ठीक है, वाह जी वाह, ओए ऊपर नहीं हो रहा, ऊपर नहीं हो रहा, कोई मसला है। सो देख लेते हैं दोबारा से, अगर मैं आप पैरो की प्रेस कर रहा हूं तो वो ये इसको होना तो चाहिए, तो देख लेते हैं, डिबग पॉइंट लगाया, इसकी डिबगिंग आसान नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ये है ना, ये मैंने आप पैरो की प्रेस की, आप पैरो की क्यों नहीं आया इसके, अगर आप पैरो की प्रेस होती है
इफ के बी हेड तो उसके अंदर आता है ना, ये बड़ी स्टूपिड बात है। आप सो मैंने ये एफ टेन प्रेस किया की में, अच्छा की में T224 आया है, सॉरी ये ना -32 नहीं होता। अगर मैं इसको उनके गेस्ट की ना रिटर्न टाइप इंट होती है, अगर मैं कैर में रिसीव करूंगा ना तो वो एक बाइट का होता है तो वो उसको नेगेटिव ले लेता है, तो यहां पे 224 होना चाहिए। तो वो जो हमने किया नहीं था, क्या किया था वो जो चलाया था आपने, आपका नाम क्या था बेटा? हाँ महसा, महसा ने जो किया था वो हम कैरेक्टर में रिसीव करते हैं ना, जब कैरेक्टर में रिसीव करते हैं ना तो वो अंडरस्कोर गेस्ट की जो रिटर्न टाइप होती है ना वो इंटीजर होती है, ठीक है। तो अगर आप इसे कैरेक्टर में रिसीव कर लेंगे तो वो कास्ट होके पहले ही कैरेक्टर में आ जाता है, तो वो एक वैसे ही नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आप ना चेक कीजिएगा, इंटीजर में रिसीव करेंगे तो 224 आएगा, तो ये इस वजह से गलत होता है। कंट्रोल F5, ये देख, ये देख, ये देख, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, हमारा माउस, हमारा स्नेक चलना शुरू हो गया, ठीक है। वट इज रिमेनिंग? हाँ, फूड जनरेशन रहती है और ग्रो होना रहता है, ठीक है। हमारी दो चीजें रहती है बेटा, हमारी रहती है फूड जनरेशन और क्या रहता है, रीग्रो होना रहता है, ठीक, और किल होना भी रहता है। ये तीन चीजें रहती है, ठीक है, दो चीजें रहती है हमारी, क्या? फूड जनरेशन, ओके, फूड ईट करना, ओके, फिर फूड ईट करने का मतलब ही है कि ग्रो करना, ये बात सुनाई, ठीक है, और किल रहती है, ओके, चलें ये करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये फूड जनरेट करना है, तो आई होप कि यू अग्री कि इसी मेन फ्लो के अंदर हमें चाहिए इंटीजर फूड रो और फूड कॉलम, ओके। अभी के लिए मैंने ये गेम बनाई है कि हमारा एक ही फूड जनरेट होता है, ठीक है। बाद में उसके फूड रो फूड कॉलम दो वेरिएबल बनाने के बजाय मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, मुझे पोजीशन टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, फूड, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, तो हमने क्या करना है, हमने फूड को भी इनिट करना है, तो हम कहेंगे इनिट फूड, ठीक है। इसमें हम क्या भेजेंगे, फूड भेज देंगे, रोज भेज देंगे, कॉलम्स भेज देंगे, एंड डू यू अग्री कि हमें एक और चीज भेजनी पड़ेगी, क्या? हमें स्नेक भी भेजना पड़ेगा, क्यों? कोई वजह होता है, क्योंकि फूड कहीं भी वो स्नेक के ऊपर जनरेट ना करते, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि जो फूड जनरेशन होनी है, ठीक है, वो कहां होनी चाहिए। तो वैसे इसका नाम इनिट फूड नहीं रखते, जनरेट फूड कर देते हैं, जनरेट फूड, ओके। तो ये फंक्शन है जो हमें बनाना है, ठीक है, तो बताएं जी कैसा फंक्शन बनाएंगे। सो वॉइड जी बताएं, जनरेट फूड, इसको ऑफ कोर्स एक स्नेक टाइप का एम्परसेंट एस भेजेंगे, पोजीशन टाइप का एम्परसेंट फूड भेजेंगे, वाई एम्परसेंट, ताकि जब इसके अंदर चेंजेस करे तो जो मेन में फूड बना हुआ है उसमें भी चेंजेस हो जाए, ओके। और ऑफ कोर्स रोज और कॉलम है वो तो हमारे वैसे ही एक साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे जी, वाइल बाकी नहीं, हमें बेसिकली वैलिडेट करना ना कि वो जो जनरेशन हुई है फूड की वो ठीक जगह पर हुई है नहीं हुई, ठीक है। तो हमें करते हैं, हम फूड डॉट रो इंडेक्स में जाते हैं, इज इक्वल टू करते हैं रैंडम मॉड क्या रोज, फूड डॉट सी आई इज इक्वल टू क्या करते हैं बताए, रैंड मॉड कॉलम्स, ठीक है। और ये तो हमने जनरेट कर दिया, अब हमने बेसिकली इसको चेक करना है कि वैलिड है या नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, तो हमने चेक करना है क्या, अगर क्या ये वैलिड भी है, हाँ सवाल ये भी वैलिड है, चेक करेंगे वाइल, हाँ जी नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फूड, ओके। अब नॉट वैलिड फूड कैसे चेक करेंगे, एक तो हमें ऑफकोर्स को फूड भेजना पड़ेगा और एक हमें उसको स्नेक भेजना पड़ेगा, ओके जी जी। बूल इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए, वैलिड फूड,
ये कैमल केस है नहीं है, इसको वी छोटा होना चाहिए, ठीक है। वैलिड सूट कर लेते हैं, क्या करें बेटा बताएं मुझे। इसको हम एक पोजीशन टाइप का फूड भेजेंगे और इसे एक स्नेक टाइप का एम्परसेंट एस भेजेंगे, ठीक है। और आई थिंक इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के वाई मेक ए कॉपी, इसको हम एम्परसेंटली भेज देते हैं और इसके साथ यहाँ पे कॉन्स लगा देते हैं। कॉन्स क्यों लगाया जाता है, ताकि इसके अंदर चेंजेस ना करने पड़े, ठीक है। आप ले लें रीड ओनली पर्पस के लिए ले लें, ठीक है। यहां आते हैं और यहां करते हैं एफ, हाँ जी। अब मुझे बेसिकली चेक करना है, मुझे स्नेक की हर पोजीशन को जाके चेक करना है कि कोई उसमें से फूड के बराबर तो नहीं है। अगर उसके बराबर है, इसका मतलब है वो ये वैलिड फूड नहीं है, ओके। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे चेक फॉर लूप लगाना है, किसका, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, और मुझे क्या करना है, मुझे करना है, हाँ जी, इफ एस डॉट पीज की आई एस डॉट आर आई, ठीक है, बराबर हो किसके, एफ की डॉट आर आई के, एंड सिर्फ रो बराबर ना हो बल्कि एस डॉट पीज डॉट आई की डॉट सी आई जो है वो बराबर हो जाए किसके, एफ डॉट सी आई के। अगर वो दोनों बराबर हैं तो वो फॉरन ही रिटर्न फॉल्स कर दे, ओके। हां, अगर कोई एक दफा भी बराबर ना आए तो आपने रिटर्न करना है क्या, ट्रू, ओके। इसका मतलब इट्स अ वैलिड फूड, डज इट मेक सेंस। अगर किसी एक के भी बराबर आ जाता है तो वो वैलिड फूड नहीं है, लेकिन अगर वो किसी के भी बराबर नहीं आता उसका मतलब इट्स अ वैलिड फूड पोजीशन, ओके। तो यहां आगे अगर वो वैलिड पोजीशन जनरेट कर देता है तो वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। और फूड क्योंकि बाय रेफरेंस पास हुआ है तो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो जनरेट फूड हो गया, और आई होप के यू ऑल अग्री के जिस तरह डिस्प्ले स्नेक है बिल्कुल इसी तरह एक और काम भी होना चाहिए, क्या, एक डिस्प्ले फूड भी होना चाहिए, ओके। सो वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले फूड, ओके, जिसको पोजीशन टाइप का एम्परसेंटली एक फूड पास होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, गो टू रो कॉलम जी फूड डॉट आर आई फूड डॉट सी आई, इस पोजीशन पे जाओ, सी आउट कर दो क्या, कैर वैल्यू ऑफ, यार वो हार्ट की क्या पोजीशन थी, हार्ट की क्या होती थी, थ्री होती है ना, ठीक है। तो उस जगह हार्ट डिस्प्ले कर देते, फूड हार्ट होगा, वो हार्ट खाएगा बड़ा हो जाएगा, हार्ट खाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी रखना चाहें, ठीक है, डज इट मेक सेंस। तो हम ये कर देते हैं जनरेट फूड, जनरेट फूड के साथ ही हम कर देते हैं क्या, डिस्प्ले फूड, ठीक है। और डिस्प्ले फूड में हम क्या भेजते हैं, फूड भेजते हैं। सो अब हमारा जो स्नेक चलना चाहिए उसके अंदर हमें फूड भी नजर आना चाहिए, वो देख रहे हैं आपको फूड नजर आ रहा है, नजर आ रहा है फूड, वो पिद्दू सा नजर आ रहा है हार्ट, ठीक है। आगे फूड जनरेशन हो गई है, ये बात समझ, ठीक है। अब बात आ रही है, अगर मैं इसके पास जाऊं और इसके ऊपर से गुजर जाऊं तो ये लगेगा ऐसा खा लिया, लेकिन खाया वाया नहीं अब तक, क्योंकि बस हमने एक ही दफा फूड को डिस्प्ले करा था, ओए हमने एक ही दफा फूड को जनरेट करवाया था, बस वो एक दफा दिखा, उसके ऊपर से गुजरेगा स्नेक तो लगता है लगेगा ऐसे ईट हो गया, लेकिन वो हमने डिटेक्शन अभी तक नहीं की, ओके। तो हमने एक्चुअली डिटेक्शन करनी है कि फूड ईट तो नहीं कर लिया उसने, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने कहीं कहा कॉल ही नहीं किया, हमने कहीं कॉल किया दोबारा, हमने तो मेन में एक दफा किया था, लेकिन वाइल्ड लूप में तो नहीं हुआ। वाइल्ड लूप में बेसिकली कहीं डिटेक्शन होनी चाहिए कि भाई उसने फूड मूव्स, एक्चुअली मूव्स स्नेक के फौरन बाद चेक होना चाहिए क्या उसने फूड खा तो नहीं लिया, यानी एक्चुअली इट्स वेरी इजी, फूड ईट करना इज वेरी इजी, कैसे, स्नेक के हेड की पोजीशन अगर फूड के बराबर है तो इसका मतलब उसने फूड खा लिया, ये बात है ना। तो एक्चुअली यहां पर एक काम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए बताए मुझे, इफ क्या, फूड ईटन, ओके, अगर फूड ईटन है उसमें एस जाएगा, फूड जाएगा, ओके। अगर फूड ईटन है तो क्या होना चाहिए, रीजनरेट, दोनों दो काम होने चाहिए, एक तो स्नेक को रीसाइज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फूड रीजनरेट होना चाहिए, ये बात समझ आई। तो पहला काम तो ये करते हैं जी,
होना चाहिए ग्रो, ग्रो स्नेक, इसको एस भेज देते हैं, दैट्स इट, ओके। और ऑफ कोर्स इसको आई थिंक इसको रोज भी भेजना चाहिए और कॉलम भी भेजना चाहिए, आई डोंट नो ये भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। और हम एक और काम करते हैं, क्या रीजनरेट, क्या था, जनरेट, जनरेट फूड। और ऑफ कोर्स फूड जनरेशन के बाद डिस्प्ले फूड भी हो जाना चाहिए, यहीं पे हो जाना चाहिए, ठीक है, ये बात सुनाई। तो हमने कौन से फंक्शन अभी तक लिखने, जनरेट फूड में रोज और कॉलम भी जाना है, सॉरी, और स्नेक भी जाना है ना। तो जनरेट फूड में बेटा क्या क्या पास होता है बताया मुझे, स्नेक, फूड, रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने फूड आइटम का वर्ड लिखना है, फूड आइटम तो बड़ा आसान है जी, बोल, फूड ईटर, तो क्या पास होता है बताए मुझे, एक तो स्नेक पास होता है एम परसेंट एस जी, पोजीशन क्या पास होता है, फूड, ओके। एक लाइन कोड है रिटर्न, क्या बेटा, एस डॉट पीज की जीरो की डबल की डॉट रो आई शुड बी डबल इक्वल टू एफ डॉट रो आई एंड एस डॉट पीज की जीरो की डॉट कॉलम इंडेक्स शुड बी डबल इक्वल टू एफ डॉट कॉलम इंडेक्स, ओके। अगर उसके बराबर है मतलब क्या है, मतलब वो फूड ईटन हो गया, ठीक है, ये बात समझ। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली एक और फंक्शन लिखना है, और वो क्या है, ग्रोस रेक, वॉइड ग्रो स्नेक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे स्नेक एम परसेंट एस भेजेंगे, इंटीजर रोज और इंटीजर कॉलम्स, ओके। हाँ जी, सवाल आप बताएं जी, एक्चुअली इसके दो तरीके हो सकते हैं, ये लेट्स से जिस जगह पर वो आया वहां पे फूड था, क्या करें, क्या करें, उसको हेड से अटैच कर दें। अब वो वहां आ गया है ना, तो हेड तो वहां पहुंच चुका है, क्या करें, इसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो उसकी टेल है ना वो रीजनरेट कर दो, टेल जिस जगह पर भी है वहां पर टेल एक और जनरेट कर दो, ये समझ में आई मैं क्या बात की। दूसरा तरीका क्या है, इसका हेड रीजनरेट कर दो, ये बात समझ में, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, आई थिंक टेल रीजनरेट कर दें ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक और साइज की बनाएंगे, डिट्टो कॉपी बना देंगे, फिर जो आखिरी इंडेक्स हमने ज्यादा बनाया होगा उस जगह पे टेल दोबारा से रीराइट कर देंगे, दैट्स इट, वी आर डन, ओके। सो सो ग्रो स्नेक जी, एक और अरे बना, एक और स्नेक बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो एस देखें, ये वहां से देखें, मैं पोजीशन टाइप का एक और पीस बना रहा हूं, जिसका मैं साइज बनाता हूं, क्या का मैं साइज बनाता हूं, जो भी मेरा स्नेक का साइज है उससे एक ज्यादा, ये बात समझ। और अब मैं क्या करता हूं, एक फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, क्या लिखूं बेटा जी, एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। और बेटा मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा पीज के क्या करूं बेटा, आई पे जाके क्या रख दो बताओ मुझे जी, पीज के आई पे जाके रख दो एस डॉट पीज का आई, ओके। फिर हम क्या करेंगे, हम पीज के जी पी डॉट साइज इंडेक्स पे जाएंगे और जाए क्या कर देंगे, हम करेंगे क्या, पीज के पी सॉरी सॉरी एस डॉट साइज, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पीज के एस डॉट साइज माइनस वन, इन इसके डुप्लीकेट बना लो, ठीक है। अब जरा तस्वीर देखें, तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तस्वीर बेटा कुछ ये है कि आपकी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, ये आपका एस है, ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या पड़ा हुआ है, साइज पड़ा हुआ है, ये पीज का पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा था किधर, हीप में, और हीप में लेट से इस पता आपके 10 साइज की अरे थी, या लेट से चलो 5 साइज की अरे थी, ठीक है। तो यहां पे पेयर पड़े हुए थे, पेयर पड़े हुए थे, पेयर पड़े हुए थे, पेयर पड़े हुए थे, पेयर पड़े हुए, आपने बेटा क्या किया, आपने एक
एक और लोकल वेरिएबल बनाया है पीस, और आपने क्या कहा, आपने कहा इसको भी हीप पर पॉइंट करा दो। इसका साइज कितना होना चाहिए बेटा, साइज होना चाहिए 6, ठीक है। आपने कहा जी ये इधर रख दो, 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 और ये डुप्लीकेट कर देना। ये बात समझ आई? और अब आप चाहते हैं कि जो एस डॉट पीज है वो किसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे बेटा, वो शुरू कर दे किसकी तरफ पॉइंट करना, इसकी तरफ। कैन यू सी ए प्रॉब्लम, देयर इज अ मेमोरी लीक। मेमोरी लीक कौन सा है कि आपने ये वाली मेमोरी रिमूव नहीं की, तो आप क्या करना चाहिए, इसको रिमूव भी करना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम ये करेंगे कि डिलीट करेंगे किसको, एस डॉट पीज को। फिर क्या करेंगे, एस डॉट पीज को बराबर कर देंगे किसके, पीज के बराबर कर देंगे। ये बात समझ आएगी? और फिर एस डॉट साइज में क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ये इंक्रीमेंट करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है बेटा, ताकि वो अब ग्रो कर गया है तो एक साइज बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ आएगी? ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। एंड आई थिंक हमारा काम हो गया। कंट्रोल F5, आई डोंट नो मैं आपको ये दिखा पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, ये एथेरक बड़ा कोई डैश है, ये देखो स्नेक बड़ा उधर जा रहा है। हा ये देखो जी क्या बात है, स्नेक बड़ा हो रहा है ना, बड़ा कोई डैश है यार। सॉरी यार मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। सॉरी यार, ये चेक करो जी, मैं भाई प्रोफेशनल हूं। वो मेरा बेटा जो है ना वो ऐसे ही करता। ओह ये क्या हुआ? हाँ वो मैंने चेक नहीं लगाया हुए, इसकी वजह से मसला हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक का चेक लगाया था, लेफ्ट से जाए तो राइट से आ जाए, है ना। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अभी मैंने क्या चीज नहीं लगाई, अभी मैंने बेसिकली स्नेक किल नहीं लगाया, ठीक है ना, स्नेक किल आपने खुद बनाया, ठीक है। और मजे की बात यह है, देखिए मेरी बात सुने सर, प्लीज मेरी बात सुने, ये जो इस ये जो स्नेक गेम है ना, दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गेम, इस सेंस में क्योंकि ये एक्चुअली ये जो गेम मैंने आपको बताई है ना, इसी से आप ये जो मैंने बताया ना, ये वाला गेम लूप है, दिस इज ट्रूली ए गेम लूप। क्योंकि एक्चुअल जो गेम्स होती हैं वो नॉन ब्लॉकिंग नहीं हो सकते, सो ब्लॉकिंग नहीं हो सकती, दे हैव टू बी नॉन ब्लॉकिंग। क्यों? क्योंकि अगर 10 लोग खेल रहे हैं सर्वर के ऊपर और एक ने सिस्टम को लॉक कर दिया है, आपके सॉफ्टवेयर को लॉक कर दिया है, तो वो तो अगला तो चल नहीं सकता। सो एक्चुअली जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं बड़ा, तो उसमें तो आपकी कोई भी ब्लॉकिंग कॉल नहीं होती, आपका OS भी, जो OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी ये गेम लूप लगा होता है। कैसे? एक लूप लगा हुआ है जो कि नॉन ब्लॉकिंग है, और आपने ये वाली की प्रेस कर दी वो चल पड़ती है, इसमें माउस क्लिक कर दिया वो चल पड़ता है। ये बात समझ? तो ये जो आइडिया है, दिस इज ए नॉन ब्लॉकिंग लूप बनाना, दैट्स एवरीवेयर, इसके बगैर काम नहीं होता। ये बात समझ? रोबोटिक्स में जब आप काम कर रहे होते हैं तो भी यही लूप होता है, एक नॉन ब्लॉकिंग लूप होता है जो चल रहा है। ये बात समझ? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज आपने सीखी है स्नेक गेम, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि ये गेम जरूर करवाई जाए, क्योंकि दिस एक्चुअली टीचेस यू सो मेनी फैंटास्टिक आइडियाज कि नॉन ब्लॉकिंग चीजें क्या होती है, नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन कॉल्स क्या होती है। ओके, ब्लॉकिंग कॉल होती क्या, जैसे सीन है, सीन में जब आप और रुक जाता भाई, जब तक आप बफर से नहीं होके आएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बात समझ? ठीक है, ये जो गैच है और जो केबी हिट का पेयर है, दैट मेक्स इट नॉन ब्लॉकिंग। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने करना यह सबसे पहला काम तो ये है कि आज रात तक आपने ये जो स्नेक गेम है ये कंप्लीट करनी है, फर्स्ट प्लेयर एक प्लेयर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी स्टेजेस बनानी है, एंड यू कैन मेक इट व्हाटएवर वे यू लाइक। मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी है, मल्टीप्लेयर स्नेक कुछ भी नहीं है बेसिकली, क्या है ये सारा काम जो हमने किया है बेसिकली, बैकएंड पे एक अरे पड़ी होगी। ठीक है, तो आपने स्नेक की अरे बनानी है, उसे इनिशियलाइज करना है, उसको इसमें डाल देना है, हर एक की अपनी की है, उसके रिस्पेक्टिव यहां पे चेक लगे होंगे, जो होगा उससे रिस्पॉन्डिंग कॉल हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है, फिर आपने एक और काम करना है, आपने हर्डल्स डालने हैं। व्हाट आर हर्डल्स?
हर्डल्स आर ऑल्सो पोजिशंस, जैसा स्नेक्स पोजिशंस होती है इस तरह हर्डल्स पोजिशंस होती है। अगर वो हर्डल को टच करेगा तो मतलब क्या, उसको थोड़ा सा डल्ट, उसको बेसिकली थोड़ी पनिशमेंट करनी, उसका स्कोर जो है वो शायद थोड़ा कम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। फिर इसी तरह आप एक और, आपको याद नहीं आपने आपने ये गेम देखी हो, तो उसमें होता है एक टाइम बेस्ड फूड जनरेट भी होते हैं। एक तो फूड जनरेट होता है, एक टाइम बेस्ड फूड जनरेट होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें पावर ज्यादा होती है, ठीक है, और लेकिन ना वो उनका टाइमर अटैच होता है, और वो आप बेसिकली क्या करते हैं, वो एक 30 सेकंड के लिए फॉर एग्जांपल डिस्प्ले होगा, अगर आपने खा लिया तो खा लिया, नहीं तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। ये बात समझ, तो टाइम बेस्ड फूड जनरेशन भी आपने करनी, ठीक है, ये चीजें जो कि आपको करनी है, और आपके आपके पास ये थर्सडे तक का टाइम है, ठीक है, थर्सडे की नाइट को आपने सबमिशन करवानी है, ठीक है, ताकि थर्सडे फ्राइडे को हमने, क्योंकि थर्सडे की क्लास में हमने चेस शुरू कर देनी, ठीक है, हमारा जो अगली गेम है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, पॉइंटर्स के ऊपर एक क्लास होनी है जो कि आज होगी, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज ही हो जाए, वरना अगर आज ना हो तो फिर कल होगी, ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं कल ही करते हैं, ताकि आपने आराम से ये बना लें, ताकि उस पर आपको फिर दोबारा से डिविएशन ना हो, ठीक है। सो लेट्स नॉट टेक द क्लास, आप इसे कंप्लीट कर लें, और फिर उसके बाद हम आपसे कल मुलाकात करते हैं, इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू।